जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं नशा से छुटकारा दिलवाने के लिए आपको कौन से उपाय जो है वो करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी माताएँ हैं जो एकदम से हताश हो गई हैं, परेशान हो गई हैं। घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, बच्चे जो हैं वो भी बिगड़ रहे हैं, अपने घर के जो भी सदस्य हैं उनको देख देख के, चाहे वो बाप हो गया या भाई है, वो किसी का भाई है या किसी का पिता है, या घर में कई बार क्या होता है कि बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इतना ज़्यादा मदिरा का सेवन करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उनको देख देख के बिगड़ने लगते हैं। कई बार समझाने का प्रयत्न किया जाए तो वो समझते भी नहीं हैं, उनको किसी की बातें जो हैं वो अच्छी लगती ही नहीं है। ऐसे में घर में जो भी माताएँ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगती है, क्योंकि उनको देख देख के घर का जो माहौल है वो तो ख़राब हो ही रहा है, साथ ही साथ जो बच्चों का भविष्य है वो भी चौपट हो रहा है। और बहुत बार ऊट पटांग की बातें करना, पी पा के उसके बाद जो गाली वगैरह है वो बकना, ऐसे में घर का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम से ख़राब हो चुका होता है और जो माताएँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हताश और परेशान हो चुकी होती हैं। तो ऐसे में एक उपाय जो है वो मैं आप सबको बताने वाली हूँ। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो यकीनन आपके घर में जो नशा है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको भगवान महादेव की पूजा नियमित रूप से करनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, ये जो उपाय है ये शिव पुराण में दिया गया है। तो आपको क्या करना है, जो नीम होती है, नीम की 21 डंडी आपको जो है वो लेनी है, छोटे छोटे टुकड़े में जो 21 डंडी है वो आपको लेनी है। उसके बाद 21 काली मिर्च लेनी है, 21 जो लौंग है वो लेनी है। तीनों चीज़ों को एक लाल कपड़े में बांधना है और हनुमान जी के मंदिर में उनके चरणों के नीचे रखवा देना है और प्रणाम करना है भगवान से। अपनी प्रार्थना जो है वो कहनी है कि हे प्रभु, हमारे घर में जो भी दिक्कतें चल रही हैं उनको आपको समाप्त करना है, क्योंकि इससे हमारा घर जो है वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हुआ जा रहा है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बाकी जो भी आप बोलना चाहते हैं वो बोलिए। 21 दिन तक वो पोटली वहीं हनुमान मंदिर में रखी रहने दीजिए। 21 दिन के बाद आप उस पोटली को घर ले आइए। आपको पानी लेना है और उस पानी में जो चीज़ें हैं, नीम की जो डंडी है, जो डाली है वो, काली मिर्च, लौंग, उन अच्छे से उन तीनों चीज़ों को डाल के पानी में गर्म करना है। और अगर मान लीजिए आपने आधा लीटर पानी लिया है तो उसका आधा बचे 250 ग्राम पानी, और अगर 250 ग्राम लिया है तो 100 ग्राम बचे। इस प्रकार से पानी जो है वो लेके उसे पका दें, उसमें आधा ग्लास जो पानी है वो बच जाए। उसको आपको धीरे धीरे करके 21 दिन तक देना है। आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति नशा करता है धीरे धीरे उसके नशे की जो आदत है, जो नशे की लत है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, ऐसा शिव पुराण में वर्णन किया गया है। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा हताश परेशान हो गए हैं, जो लोग नशे के आदि हैं वो नशा नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए और अपने घर से भी इन समस्याओं को समाप्त कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जय माता दी।